अक्षय कुमार स्टारर राउडी राठौर के सीक्वल राउडी राठौर 2 को लेकर एक काफी बढ़िया अपडेट सामने आई है। जी हां, आवारा पागल दीवाना 2 और वेलकम 3 के सीक्वल के बाद अक्षय कुमार की एक और फिल्म राउडी राठौर की सीक्वल की चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में खबरें आई थीं कि राउडी राठौर 2 में सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री हो सकती है, मगर अब सामने आ रहा है कि मेकर्स अक्षय कुमार को रिप्लेस करने की नहीं सोच रहे। आवारा पागल दीवाना 2 और वेलकम के सीक्वल की बाद अब अक्षय कुमार की एक और फिल्म का सीक्वल चर्चा में बना हुआ है। जी हां, अक्षय कुमार की ये फिल्म राउडी राठौर है, जिसमें मुख्य भूमिका अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा ने निभाई थी। पिछले दिनों खबर आई थी कि इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कियारा आडवाणी के नाम पर विचार कर रहे हैं और मुख्य हीरो की भूमिका में सिद्धार्थ मल्होत्रा, लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक डायरेक्टर अनीस बज़मी ने अब तक प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली से सिर्फ फिल्म के डायरेक्शन की बात की है। इसके अलावा बाकी खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। सूत्र बताते हैं कि अब तक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार को रिप्लेस करने में कोई भी बात नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि राउडी राठौर 2 में लीड एक्टर्स के तौर पर कियारा के नाम पर विचार किया जा रहा है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इसमें मुख्य भूमिका निभाए, मगर अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। रिपोर्ट का कहना है कि फिल्म राउडी राठौर 2 के डायरेक्टर अनीस बज़मी अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की जोड़ी को कास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल डायरेक्टर अनीस बज़मी या भी अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हैं, इसके बाद ही वह राउडी राठौर 2 के बारे में सोचेंगे। वही अब मिशन रानीगंज के बाद फैंस ने अक्षय कुमार से एक्शन फिल्मों की मांग की है। ऐसे में इस फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो ये सोने पे सुहागा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, राउडी राठौर 2 आनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।